जो लोग आपके साथ बुरे हैं उनके साथ आपको बुरा होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो उन लोगों से आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपको बेच के खा जाएंगे, समझ रहे हो। एंड अगर आप बुरे हैं उनके साथ बुरा ही बर्ताव करेंगे, है ना, तो तुम्हें और उनमें फ़र्क क्या रहेगा, ठीक है। एंड देखो ये कलयुग है, यहाँ पे सबको बच के चलना होता है। एंड एक तो पहली बात मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे कंसल्टेशन वगैरह भी करता हूँ, मैंने अभी 4-5 लोगों को ये बात बताई है कि हाँ कैसे कंपनी रजिस्टर करनी है और घर के अंदर ही हम कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। मैं कैसे कैसे कि मैं मेरी वाइफ और मम्मी को ले लेंगे, देन दादाजी को ले लेंगे, 4 लोग हो जाएंगे ये कंपनी में। ये काम किसी को नहीं करना कभी भी, ठीक है। घर के अंदर पार्टनरशिप में आप कंपनी नहीं खोलोगे, ठीक है। जो आज की तारीख में लॉ चल रहा है ना, सही है, हल्की सी भी अगर कोई बात हो गई कंपनी में और कोई केस वगैरह हो गया, पूरी फैमिली अंदर हो जाती है और कोई बचाने वाला भी नहीं होने का, एंड बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। एंड पार्टनरशिप में काम करना है कुंडली मिला के बाहर करो, फैमिली को और काम को अलग रखो, ठीक है। और बिज़नेस अगर आप किसी के साथ भी कर रहे हैं, बिज़नेस के मैंने आपको रूल बताए हैं, डोंट हायर समवन यू कांट फायर, जिसको निकाल नहीं सकते उसको काम पर भी मत रखो। कौन हो गए वो? घर वाले, दोस्त, समझ रहे हो। क्योंकि बिजनेस में ठीक है, अगर किसी के साथ आपका जैसे कि आप रिलेशनशिप में पार्टनरशिप में आपने काम कर लिया, अब अगर पर्सनल लाइफ में कोई इशू आता है ना, बिजनेस इफेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन लेवल वो नहीं होने का, समझ रहे हो। बिजनेस के टाइम पे वो वाली बातें होंगी और वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मैंने बताया थी ना कि फैमिली को बस 2 घंटे देने हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे कैसे भी, 2 घंटे ही देने होते हैं फैमिली को, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड सारे काम आपको सबको, आपको सबको अकेले ही मैनेज करना है, ठीक है। एंड सोच समझ के बोलना है, हर चीज़ सोच समझ के। जिसके साथ प्यार करो उससे कभी ना व्यापार करो, ठीक है। एंड कोई भी आपका काम है, आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वही आपका मेन पर्पज़ है, ठीक है ना। देखो पहले क्या होता था, ठीक है, लोग नॉर्मल धोती नॉर्मल कुर्ता पहनते थे और यही सब तो माया है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, रेट रेस क्या है, यही तो है। पड़ोसी नई बाइक लाया है और ये ले आया दिवाली पे ही और वो मेरे को भी लेके आनी है ना, तो सब इसी रेस में भाग रहे हैं, ठीक है। और हालत इस टाइम ये हो चुकी है कि अगले महीने का रेंट भरने की जो है उसकी रेस हो रही है, समझ लो, अगले महीने का रेंट भरने की रेस चल रही है। और इस टाइम जो हमारा सोल है, हम सबसे बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है और नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या सही रास्ता है। एंड मरने के बाद क्या होता है ना, ऐसे कहते हैं कि स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, ये मैं पहले भी बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता, स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता, यही नरक है। यहाँ पे हम सब अपने कार्मिक डेथ पे कर रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि ठीक है 13 दिन जो होते हैं 13वीं के होते हैं, दैन गरुड़ पुराण में और हर जगह अलग अलग इसका वर्णन किया हुआ है कि ऐसी होती है चीज़, ऐसे होती है। एंड अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें देवता लेने आएंगे, नहीं तो तुम्हें असुरा लेने आएंगे, ऐसे ऐसे होगा। और आसमान में जाओगे बादल चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो सही चीज़ है मैं बताता हूँ, जैसे किसी की डेथ हुई और डेथ होते ही, जैसे एक बात बताओ, डेली कितने लोग मरते हैं, है ना, और कितने लोग पैदा होते हैं। और जैसे कि किसी की डेथ हुई तो डेथ होने के बाद वो सबसे पहले अपना नियरेस्ट वूम देखता है, जो आत्मा होती है नियरेस्ट वूम को देखती है और 5-10 मिनट में ही वो दोबारा पैदा हो जाती है, ये होता है, ठीक है। एंड अब एक बात आप समझना, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत डीप बात बोल रहा हूँ। जैसे कि एकदम से अब मैं जैसे बाहर गया और आप लोग जैसे बाहर गए, बाहर जैसे मैं गया या आप जैसे आपको कोई दिखा, कोई लेडी दिखी, कोई अंकल दिखे, समझ रहे हो। और जैसे जैसे देखते हैं ना 3-4 सेकेंड तक उसको देख रहे हैं हम पर्सन को कि ठीक है कौन है ये। और हो सकता है क्या होता हो हमारे पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो, समझ रहे हो, कौन सी लाइफ में हम दोनों एक ही घर में रहते हो। और जैसे ही डेथ हुई, डेथ होते के साथ ही जो है नाव जो 5-10 मिनट में नियरेस्ट वूम को देख के वो जो आत्मा है वो पैदा हो गई। अब उनकी एक अलग फैमिली है, सब कुछ अलग है, उनका अलग रिश्तेदार है और हमारी फैमिली से उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यही है कि इसका ये कहना चाहता हूँ मैं कि बाहर किसी से भी अगर आप मिलो तो आपको उस पर्सन को अच्छे से ट्रीट करना है, समझ रहे हो। ये नहीं है हमारा, तो क्या है कि हम देखते हैं ये हमारे सेब हैं, ठीक है, सेब ये हमारा पेड़ है और ये हमारे फल हैं और हमें इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। क्यों बाहर भी अगर तो सबको इक्वल ट्रीट करना होता है, ठीक है ना। हम सब एक ही, मतलब हम ह्यूमंस हैं सब, और सब इक्वल हैं, ठीक है। केवल अपने एप्पल्स पे ध्यान नहीं देना। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागता अपने आप। जिस चीज़ के पीछे नहीं भागते ना, वो चीज़ अपने आप आ जाती है, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाता, मेरे को बैठे बैठे कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं भागता पैसे के पीछे। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। एंड तो बाहर कभी भी आप जाओ तो मतलब कोई आपको दिखे तो एटलीस्ट ट्राई टू हेल्प। मैं तो पहले भी ये बात बताई थी कि एक दिन मैं गया था वहाँ पे मंदिर में, एंड मैं, मेरे पास एक पर्सन आया कि सर मुझे काम दे दो। उस टाइम मैं कंस्ट्रक्शन के काम में था। सर मुझे काम दे दो। तो वहाँ पर साइड में स्ट्रीट में एक बैठा हुआ था, एंड शॉल ओढ़ के बहुत जोर से हंसने लगा और ये कह रहा कि इससे क्या मांग रहा है, ये तो खुद यहाँ मांगने आया है। और मैंने उसको देखा था पर्सन को, मैंने कहा क्या बात बोली है। मैं उसके पास बैठा, मैं खाना खिलाया, मैं बताओ और क्या चाहिए, मतलब बातें बताओ, मेरे को सुननी है। क्योंकि जो गांव का पर्सन बातें बता देगा, वो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ नहीं बताने का, ठीक है। मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे को वो सब बातें नहीं पता। एंड ठीक है, मेरे को भी, मैं यूँ नहीं कह रहा मुझे कुंडली बिल्कुल परफेक्ट आती है, नहीं आती, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, लगन चार्ट देख के पूरी लाइफ बता देंगे आपकी। ये बता देंगे एक्सीडेंट कब होगा, और इस टाइम तुम्हारा हार्ट टूटेगा, इस टाइम एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे ऐसे होना है, इस टाइम पे डाइवोर्स होगा। और वो बिल्कुल ही बहुत स्पिरिचुअल जो होते हैं ना, योगी टाइप्स, वो लोग बहुत कम मिलते हैं एंड उन्हें ढूंढना पड़ता है। गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु, गो रू, गो अप रू, जो आत्मा है ऊपर जाए। लेकिन बात यह कि अच्छा गुरु आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो गुरु की मैं आपको ये बताता हूँ, आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये पर्सन से वाइब आ रही है, दिस इज़ दी गुरु। एंड जो नहीं होगा कायदे का पर्सन, आपको देख के लग जाएगा नहीं गलत बात बोल रहा है, एंड ये मेरे को गाइड नहीं करने का, ठीक। तो ठीक है, मेरे को भी कोई इशू। मैं तो बहुत ऐसे, मैं कोई ऐसी कहीं जाता हूँ, मैं तो बहुत ढूंढता हूँ, कोई पुरानी किताबें मिल जाएँ, पुराने लोग मिल जाएँ, कोई नई बातें बता दें। एंड जो एकदम से बिल्कुल कुंडली देख के सब कुछ बता देंगे ना, वो लोग बहुत कम मिलते हैं। ना वो ऑनलाइन मिलने के, ना वो किसी पंडाल में जाके बैठने के, ना वो ऐसे कैमरे के आगे बैठने के। सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। उन पर पास टाइम नहीं है, उनके पास कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। वो अपने मेडिटेशन में बैठे हैं, वो एकदम केतु हैं, एकदम जैसे समझ लो ना, करोड़ रुपये रखे हुए हैं और कोई टेंशन नहीं, बैठ के अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं बस। इतनी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है उन लोगों की। मेरे को देखो, मैं तो पूरा राहु हूँ, है ना, सब करता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक्सेस में चलता रहता हूँ, कभी राहु कभी केतु, कभी राहु कभी केतु। और राहु केतु का एक्सेस आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बता देगा। और जैसे दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है तो लगता है ना, जैसे कोई अट्रैक्शन जो होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राहु का है अटेंशन, कि राहु चलता हुआ आ रहा है, कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में पर्सन एंटर हुआ एंड सब उसको देख रहे हैं। तो देखो मैं कह रहा, राहु चलता हुआ आ रहा है, एंड कुछ नहीं पता उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है कोने में एक पर्सन, एंड धोती कुर्ते में, उसके पास करोड़ों रुपये हैं और कोई इसको देखने का टेंशन नहीं है, क्योंकि केतु क्या है, डिटैचमेंट, ठीक है। एंड यही है। और जो राहु है उसके पास कुछ नहीं पता, बस दिख रहा है, वो चमक रहा है, पैसा है नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रॉपर गुरु भी होना ज़रूरी है। और देखो जिसके पास, दुर्योधन की कहानी सुनी है ना आपने, दुर्योधन क्या करता था, सबके पास जा जाकर सलाह मांगता था, ठीक है। तो जो दुर्योधन की तरह सबसे सलाह मांग रहे हैं वो परेशान है, जिनके पास एक कृष्ण है वो खुश हैं और कामयाब है, समझ रहे हो। एंड ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा क्यों नहीं बोलना, मेडिटेशन क्यों करनी है, 10 मिनट भी क्यों करनी है, मैं आपको बताता हूँ। कभी तोते को देखा है, तोता कितना बोलता है, तोता तो बोलता ही रहता है ना, मर गई, तोता तो होता भी हरा है, मर गई क्या होती है, स्पीच, और तोता हरे कलर का होता है, मरकरी स्पीच है, मरकरी का कलर भी हरा ही होता है। तोता कैसे बोलता रहता है, हर टाइम बोलता रहेगा, लेकिन जब उड़ने की बारी आती है कितना उड़ पाता है, वो इस कमरे में ही उड़ पाएगा, ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाएगा। लेकिन कभी आप उसको देखो, बाज को, ईगल को देखो, चुपचाप बैठ के मेडिटेटिव स्टेट में, और जब उड़ना होता है ना, बादलों से भी ऊपर उड़ जाती है जब उसको टाइम होता है उड़ने का, है ना। और चलो एक ऐसा जानवर बताओ जिसको आज तक कोई, जिसके गले में आज तक कोई पट्टा नहीं लगा पाया, ठीक है। शेर के गले में भी पट्टा लगा दिया इंसान ने, जंगली भेड़िए के गले में आज तक कोई पट्टा नहीं लगा पाया। और किसी एक जंगली भेड़िए को पकड़ लो, पूरे के पूरा कस्बा इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हें जान से मार देंगे, उस भेड़िए को लेके नहीं जाने देंगे, समझ रहे हो। इतनी यूनिटी तो इंसानों में भी नहीं है, समझ रहे हो, इंसानों में तो है ही नहीं, जानवरों में भी इतनी समझ है कि ठीक है हमारा सेफ है, हमारा सेब है, ये भी हमारी कौम का है, लेकिन नहीं इंसानों को क्या, ये मेरे घर के चार लोग हैं, ये मेरा पेड़ है, ये मेरे चार फल हैं, इन पर मैं ध्यान दूँगा, समझ रहे हो। एंड यू नेवर नो कि ठीक है जिस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तुम्हारी पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता, सबसे अच्छा तुम्हारा कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ का, समझ रहे हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ट्विन फ्लेम वगैरह की बात नहीं कर रहा, इल्यूमिनाटी वगैरह ये टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा। मैं एक नॉर्मल सी बात समझा रहा हूँ कि रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। बंदरों को देखो, किसी एक से पंगा हो जाता है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, समझ रहे हो। और इंसानों में देखो, अगर कुछ सड़क पर पंगा हो गया खड़े होकर तमाशा देखेंगे और कोई किसी के लिए नहीं बोलने का, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे मेडिटेशन करनी है माला। भैया हमारे जो है हिंदू संविधान में, शास्त्र में भी तो है, हर देवी देवता के पास, हर देवी देवता के पास भी तो ये दो चीज़ें हैं, माला और भाला, समझ रहे हो। तो माला और भाला, हथियार। अब हथियार का कैसे आप कहोगे, हथियार कैसे लेके चलें, इलीगल है, ठीक है, लाइसेंस होता है, नहीं मिल रहा तो और भी हथियार होते हैं, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप सब जैसे लोग हैं, लड़कियाँ हैं, एंड लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान बाहर कोई भरोसे वाला नहीं है। मिर्च स्प्रे आनी आती, स्प्रे पेपर स्प्रे, वो पर्स में रखो, कोई ऐसी बात होगी एटलीस्ट निकाल के स्प्रे तो कर दो किसी के हाथ में, एमरजेंसी सिचुएशन में। भैया तुम्हारे पास माला है, तो माला है गले में, एंड हथियार भी होना चाहिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, मिर्ची स्प्रे तो सब रख ही लेना, लेकिन सबसे जो मॉडर्न हथियार है वो है कैमरा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर जैसे मैं बताऊँ, जैसे मेरी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, एंड पहले नहीं था, तो पहले अगर मेरा किसी से पंगा होता था या फिर चोकले पे या किसी ने रोका पुलिस वाले ने या समथिंग लग गया जो भी, तो लोग जो है जैसे मैंने कभी, अब तो नहीं बोलता, कभी उल्टा बोल दिया तो सामने से कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, जो बोल रहा है। लेकिन अगर कैमरा लगा हुआ है तुम्हारे पास, है ना, अब तो सबके पास कैमरा लेके चला करो। कैमरा अगर है तो कैमरे को देखते सब चुप हो जाएंगे एक बार को, फिर क्या बोलें, समझ रहे हो। एंड ये एक मॉडर्न हथियार है, राहु है, समझ रहे हो। कैमरे में जो रिकॉर्ड हो गया, मैंने बताया था वीनस होता है, चलो कैमरा मीडिया, लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई वो पास्ट हो गया, अब वो इल्यूजन है तो वो राहु होता है, ठीक है। जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीनस है, अब रिकॉर्ड करके मैं जब डाल दूँगा तो ये राहु, डेस्टिनी नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं कह रखा हमसे कि ये चीज़ तुम्हें पूरी करके आनी है इस लाइफ में। एक सोल का पर्पस बस लाइफ और डेथ की साइकिल से, रिबर्थ की साइकिल से जो है ना, डेथ होती है, रिबर्थ होता है, इस साइकिल से बाहर निकलने का जो है वो है, और वो कर्म अच्छे करके हो जाएगा, ठीक है। मोक्ष अलाइनमेंट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उनको ट्रिगर करने का तो एक तरीका होता है ना, सब चीज़ों का एक तरीका होता है। ये मैं पहले भी मैंने आपको बताया वीडियो वगैरह देखने, तो अगर आप बैठे हुए हैं आलसी, तामसिक हैं आप, उठ के अपने लिए काम कर रहे हैं, राजसिक हैं, उठ के औरों के लिए काम कर रहे हैं, सात्विक काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं पूरा सात्विक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सारे काम करता हूँ और मैं करूँगा, मैं सारे काम जो पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल काम है मैं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ये देखो मेरी खुद की थिंकिंग है, मैं इसमें किसी को नहीं डाल रहा, ये तुम्हारा इशू है। तुम जो 21 साल की उम्र में तुम योगी बन गए, साधु बन गए, एंड उसके बाद तुमने प्रण ले लिया कि मैं वो गलत काम नहीं कर, हम तो सन्यासी बन गए, हम कुछ नहीं करेंगे ये वो है, और बिल्कुल हम अकेले रहेंगे, एंड हम तो हर चीज़ से दूर रहेंगे, हम सेक्स से दूर रहेंगे, हम तामसिक हर चीज़ से दूर रहेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, योगी बन जाएंगे। एक बात बताओ, योगी जो बैठे हैं वो कैसे आए हैं, वो भी तो इसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं ना, भगवान ने ये चीज़ हमें दी है टू एंजॉय। सेक्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा कि मेल के लिए और फीमेल के लिए कैसे कितना सही रहता है, क्या प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजिकली और प्रैक्टिकली एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, सारी चीज़ों को मिला के मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। एंड मेरा पॉइंट ये है, सारे काम करो, मैं तो सारे काम करूँगा टिल तक जब तक मैं 55 का नहीं हो जाता, ठीक है। मैंने अपने गोल्स सेट कर रखे हैं, 55 तक सारे काम करूँगा, और उसके बाद अपना मेरे को पता है, मैं तो उसके बाद